हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच प्री व्यापम बैच 2024-25 ये शुरू होने वाला है 15 मई 2024 से। जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे गूगल प्ले स्टोर में जा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला के नाम से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि सीजीपीएससी ई पाठशाला का मोबाइल ऐप की है कि छत्तीसगढ़ ई पाठशाला का मोबाइल ऐप है। ये भी हमारा ही मोबाइल ऐप है। गूगल की कुछ पॉलिसी चेंजेस हुई है जिस कारण से हमें सीजीपीएससी का नाम हटा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला करना पड़ा है। तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप छत्तीसगढ़ ई पाठशाला सर्च करेंगे तो आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा। इसमें जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी CGGS का बैच है। इसमें इंडियन GS यानी कि भारतीय सामान्य अध्ययन शामिल नहीं है। कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, कितने टाइम ड्यूरेशन में कवर होंगे, वीडियो किस प्रकार से मिलेगा, इस पर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही YouTube पर बना करके अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के 2 या 3 वीडियो पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मिल जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, या किसी भी प्रकार की अन्य इंक्वायरी होगी तो वो हमारे मोबाइल नंबर 9109340480 इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप करके आप अपनी किसी प्रकार की इंक्वायरी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए टॉपिक पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15 मई से क्लासेस शुरू हो रही है। अप्रैल 2024 करंट अफेयर, सबसे पहला टॉपिक है 70,000 साल पुराने मानव सभ्यता के प्रमाण। हाल ही में प्रदेश के नारायणपुर से सुकमा जिलों तक किए गए शोध अभियान के दौरान हमारे प्रदेश में 70,000 साल पुराने मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। नारायणपुर से सुकमा तक, यानी कि नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है शोध अभियान चलाया गया, जिसके बाद प्रमाण जो मिला है ये 70,000 साल पहले मानव की एक सभ्यता विकसित होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, 30,000 से 70,000 साल पहले मानव की एक सभ्यता विकसित होने का प्रमाण मिला है। कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पाषाणकालीन हथियार, औजार, उपयोग किए जाने वाले हस्तचलित उपकरण। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाषाणकालीन बात हो रही है। पाषाण काल का मतलब क्या होता है, इस काल का जो मानव था ये, इसकी जीवन शैली पूर्णतः पत्थरों पर निर्भर होती थी। पूर्णतः पत्थरों पर निर्भर का मतलब मानव जो है वो रहने के लिए पत्थर से बने गुफाओं में रहता था। पत्थर की चट्टानों की कंदराव, यानी कि एक बहुत बड़ा चट्टान जिसमें दरार पड़ गया जाता है, उसमें जो आपका दरार है उसे कहा जाता है कंदरा। चट्टानों की कंदराओं में रहता था। अगर उसको शिकार करना होता है तो वो पत्थर से बने हुए औजारों से शिकार करता था। अपने दैनिक जीवन में वो पूर्णतः पत्थरों पर निर्भर था। तो इसे कहा जाता है पाषाण काल। पाषाण काल को भी क्लासिफाइड किया गया है, पूर्व पाषाण काल, उत्तर मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल। तो यहां पर पाषाणकालीन हथियार, औजार और उपयोग किए जाने वाले हस्तचलित उपकरण, यानी कि हाथों से चलाए जाने वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये जो शोध अभियान चलाया गया है ये मानव विज्ञान सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब बस्तर कार्यालय, और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय मानव विज्ञान विभाग के द्वारा यह शोध अभियान चलाया गया था। इस शोध अभियान में अबूझमाड़, बीजापुर, सुकमा, बारसूर, दंतेवाड़ा से गुजरने वाली प्रमुख नदियों के आसपास 5 साल तक खोज अभियान चलाया गया। देखिए, जो पाषाणकालीन मानव है ये पत्थरों पर तो रहते थे, पत्थरों पर तो इनकी जीवन शैली निर्भर थी, और ये सामान्यतः ये किसी नदी के किनारे ही मुख्य रूप से निवास करते थे। तो ये जो 5 साल तक जो शोध अभियान चलाया गया, ये शोध अभियान इन आपके क्षेत्र अबूझमाड़, बीजापुर, सुकमा, बारसूर, दंतेवाड़ा से गुजरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों के किनारों पर यह शोध अभियान चलाया गया, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए हैं, हथियार, औजार और उपयोग किए जाने वाले हस्तचलित उपकरण। ठीक, अगर हम औजारों की बात करें तो औजारों में पत्थर से बने चाकू, पत्थर की छीलन, छेद करने वाले औजार, तीर की नोक, ग्राइंडिंग वाले पत्थर मतलब पत्थरों को धार लगाना, जैसे चाकू को धार लगाने के लिए घसते हैं ना,
घसने के जो चाकू को धार लगाने के लिए एक पत्थर आता है जिसे ग्राइंडिंग पत्थर बोलते हैं, तो वो ग्राइंडिंग वाले पत्थर प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ केशकाल के पास पहाड़ी में शैल चित्र भी प्राप्त हुआ है। देखिए ये जो खोज अभियान है ये नदी किनारे चलाया गया और नदी किनारे ही यह औजार प्राप्त हुए। अगर आप इमेज देखेंगे तो आपको इमेज से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ये इमेज, ये केशकाल के पास पहाड़ी में ये शैल चित्र प्राप्त हुआ। शैल चित्र मतलब कि चट्टानों के ऊपर बनी हुई पेंटिंग, शैल का मतलब होता है पत्थर। ये शैल चित्र प्राप्त हुआ केशकाल वाले क्षेत्र में और ये पत्थर प्राप्त हुए हैं। देखिए अगर किसी आम इंसान को दिखाएंगे तो ये नॉर्मली ये जो पत्थर है ये नदी किनारे एक सामान्य पत्थर से प्रतीत होते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो पाषाण काल को भी आपको अलग अलग उसे क्लासिफाइड किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नवपाषाण काल, यानी कि पाषाण काल में भी मानव का अलग अलग टाइम पीरियड में विकास हुआ। पूर्व पाषाण काल से ज्यादा विकसित मध्य पाषाणकालीन मानव था, मध्य पाषाणकालीन से ज्यादा विकसित आपका उत्तर या नवपाषाणकालीन मानव था, और इनकी जीवन शैली पत्थरों पर निर्भर थी। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक सामान्य पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन जो पाषाणकालीन मानव थे उनके जो औजार थे वो उतने परिष्कृत नहीं थे, यानी कि उनके शेप और साइज नहीं होते थे, ठीक है। जैसे जैसे उनका विकास होते गया उन्होंने फिर पत्थर से पहिए का भी आविष्कार किया बाद में, तो समय के साथ बदलाव हुए। अभी केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो सभ्यता ये जो प्राप्त हुई है ये 30,000 से 70,000 साल पहले की एक मानव सभ्यता थी। अब इसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी, उसके आधार पर एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताया जाएगा कि ये जो औजार प्राप्त हुए हैं ये कितने पुराने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो आपका नारायणपुर से सुकमा जिले के बीच में इस आपकी सभ्यता का विस्तार है, 30,000 से 70,000 साल पहले के मानव सभ्यता विकसित होने के प्रमाण है। इसमें हथियार औजार और उपयोग किए जाने वाले हस्तचलित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव विज्ञान सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग के द्वारा लगभग 5 साल तक अबूझमाड़, बीजापुर, सुकमा, बारसूर और दंतेवाड़ा से गुजरने वाली प्रमुख नदियों के आसपास शोध अभियान चलाया गया है, जिसमें चाकू, छीलन, छेद करने वाले औजार, तीर की नोक, ग्राइंडिंग पत्थर, केश का ग्राइंडिंग पत्थर प्राप्त हुए हैं और केशकाल के पास की पहाड़ी में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि औजार और पत्थर, और ये है आपके शैल चित्र। नेक्स्ट देखिए, गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 काफी इंपॉर्टेंट है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 2024 में होने वाले किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ही, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये केवल आपका छत्तीसगढ़ ही नहीं नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर बनेगा, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ इंडिया के लिए भी। एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, आलोक शुक्ला जिनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024, इसे ग्रीन नोबल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार है इसे ग्रीन नोबल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नोबल अवार्ड पता है आप सभी को, अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, तो ये अलग अलग क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वैसे ही ये एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रकार का नोबल पुरस्कार है जिसे ग्रीन नोबल अवार्ड कहा जाता है। पर्यावरण के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है आपका गोल्ड मैन एनवायरमेंटल अवार्ड। देखिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है गोल्ड मैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के द्वारा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस साल यह पुरस्कार प्रदान किया गया है आलोक शुक्ला जी को, जो कि एक पर्यावरणविद है हमारे छत्तीसगढ़ के। आलोक शुक्ला नाम याद रखिएगा। क्षेत्र हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए, हसदेव अरण्य क्षेत्र काफी हाईलाइट बना हुआ था, सेव हसदेव अभियान भी चलाया गया था, याद है कि नहीं। हसदेव जिसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, तो हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए इनके कार्य को देखते हुए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। विशेष बात क्या है, आलोक शुक्ला हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समिति के संयोजक है। इनकी समिति का नाम याद रखिएगा, हसदेव के जंगल को बचाने के लिए इनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इनकी समिति का नाम है
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष। अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब होता है जंगल, वन। पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, जंगल, वन, कांतार, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी आपके पर्यायवाची है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के क्या है? संयोजक है। इस अवार्ड के लिए संपूर्ण एशिया महाद्वीप से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। आलोक शुक्ला केवल हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, इंडिया के लिए नहीं, ओवरऑल एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। समझ सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है इस अवार्ड के लिए आलोक शुक्ला जी को। हसदेव अरण्य को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। जो आपका हसदेव का जो जंगल है, आपके कोरबा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, ये पूरा क्षेत्र कवर होता है। तो हसदेव जो आपका अरण्य है, हसदेव का जो जंगल है, इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़े की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, ये जो आपका ग्रीन नोबल अवार्ड है या गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड है, ये अब तक केवल 7 भारतीयों को ही यह गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केवल 7 भारतीयों को अब तक सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? जैसे कि मेधा पाटकर 1992, एमसी मेहता 1996, राशिद बी व चंपा देवी शुक्ला 2004, रमेश अग्रवाल जिन्हें वर्ष 2014 में यह पुरस्कार मिला, प्रफुल्ल सामंतरा 2017 में पुरस्कृत हुए, और अभी आपके आलोक शुक्ला 2024 में उन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी। साल भर में अगर कोई भी एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन बनेगा भी और रिपीट भी होगा, और ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, केवल पद्म पुरस्कार तक सीमित मत रहिएगा कि पद्म पुरस्कार किन्हें मिला, कि कौन कौन से विभूति को मिला। ये आप पद्म पुरस्कार रटते रहेंगे, इनसे क्वेश्चन बन जाएगा। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही है, एशिया महाद्वीप में जो है उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल रहा है। ये देखिए, अब तक टोटल 7 भारतीयों को मिला है, और 7 भारतीयों के नाम यहां पे देख लीजिए, अलग अलग ईयर में उन्हें दे दिया गया है। आलोक शुक्ला सहित टोटल 6 लोगों को इस साल 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। टोटल 6 लोगों को आलोक शुक्ला सहित। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान समझना। छत्तीसगढ़ में करीब 4,45,000 एकड़ में फैले घने हसदेव जंगल को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने काम किया। इस इलाके में 23 कोयला खदानें हैं। जुलाई 2022 में सरकार ने हसदेव अरण्य के 21 प्रस्तावित कोयला खदानों को रद्द कर दिया था। अब देखिए, ये बात हो रही है वर्ष 2022 की, जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी। उस समय हसदेव आपके बचाओ अभियान चलाया गया, और इनकी बातों को उन्होंने अपने मंच के माध्यम से, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से रखा। तो उस समय की जो सरकार थी, उस समय की सरकार ने जुलाई 2022 में, टोटल यहाँ पे जो है इस इलाके में 23 कोयले की खदानें थी, जुलाई 2022 में सरकार ने हसदेव अरण्य के 21 प्रस्तावित कोयले खदानों को रद्द कर दिया था। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है, सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार आई, जो कोयला का उत्खनन है ये अदानी ग्रुप को दे दिया गया, और प्रतिदिन 50,000 पेड़ काटे गए हैं कोयला उत्खनन करने के लिए। ठीक है, लेकिन इनके प्रयास को ध्यान में रखते हुए इन्हें यह पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। लेकिन इनके प्रयास से जुलाई 2022 में जो तत्कालीन सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने इस आपके इनके जो है जो इन्होंने जो बात रखी उसके आधार पर हसदेव अरण्य के 21 प्रस्तावित कोयले खदानों को रद्द कर दिया था। ठीक है, जो बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए, ये है आपके आलोक शुक्ला जी, द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024, सेलिब्रेटिंग ग्रॉस रूट लीडर हु प्रूव दैट ऑर्डिनरी पीपुल कैन हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, ये है आलोक शुक्ला जी हमारे छत्तीसगढ़ के, इनका चेहरा भी याद रखिएगा। देखिए, टोटल 6 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जैसे कि ब्राज़ील से मार्सेल गोम्स को, ऑस्ट्रेलिया की मुर्रावाह
मारुचि जॉनसन को भारत से, देखिए छत्तीसगढ़ नहीं भारत लिखा है, भारत के आलोक शुक्ला जी को, स्पेन के टेरेसा विंसेट को, संयुक्त राज्य अमेरिका के एंड्रिया विडोरे को और दक्षिण अफ्रीका के सिनेगुगु जुकुलू और नॉन हले को। तो ये बाकियों के भी नाम को याद रख लीजिएगा अगर नेशनल लेवल से पूछा गया तो। इनकी समिति का नाम क्या है, आलोक शुक्ला जी की समिति का नाम क्या है, अब तक कितने लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया, इनकी ये उपलब्धि क्या है, ठीक है, अब तक केवल 7 भारतीयों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है खेखड़ा नृत्य। देखिए ये जो अप्रैल 2024 का जो महीना था, जो पिछला बीता महीना गया, इसे बताने के लिए ज़्यादा करंट अफेयर के कंटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लागू है, प्रदेश सरकार न तो किसी नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है, न ही उन्हें लागू कर सकती है, और जो पहले से जो योजनाएं चली आ रही है उस पर भी कोई नवीनतम आंकड़े नहीं आएंगे जब तक आपके चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते। तो कुछ लिमिटेड ही करंट अफेयर के फैक्ट आपको इस अप्रैल 2024 के महीने में पढ़ना है। ठीक है, खेखड़ा नृत्य जो है ये बैगा जनजाति और गोड़ जनजाति के द्वारा फागुन माह में होली के समय किया जाने वाला नृत्य है खेखड़ा नृत्य। पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि खेखड़ा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो बैगा और गोड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस माह में ये नृत्य किया जाता है, तो फागुन के माह में किया जाता है। किस अवसर पर खेखड़ा नृत्य किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है आपका खेखड़ा नृत्य। देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, किस महीने में किया जाता है और किस अवसर पर किया जाता है। तो फागुन माह में होली के अवसर पर बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है खेखड़ा नृत्य। इस नृत्य को करते समय कर्मा फाग गीत भी गाया जाता है। ठीक है, इस नृत्य को करने के दौरान कर्मा फाग गीत भी गाया जाता है। और गीत गाते समय जो वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाया जाता है उसे कहा जाता है ठिसकी। ठीक है, ठिसकी ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है इस आपके खेखड़ा नृत्य के दौरान। देखिए अगर आप देखेंगे ये जो नृत्य है इसकी पहचान क्या है, इसमें जो नृतक है, जो डांस किया जाता है, वो मुखौटा पहनते हैं। ठीक है, चेहरे पे जो है ये मुखौटा पहनते हैं। यह नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है। इस नृत्य के दो प्रमुख पात्र होते हैं। दो प्रमुख पात्र कौन कौन से? गिजजी और खेखड़ा। पुरुष के पहने जाने वाले मुखौटे को खेखड़ा कहा जाता है और स्त्री द्वारा पहने जाने वाले मुखौटे को गिजजी कहा जाता है। तो पुरुष अगर मुखौटा पहन के करे तो ये खेखड़ा, महिला अगर मुखौटा पहन के नृत्य करे तो गिजजी। खेखड़ा नृत्य बैगा और गोड़ समुदाय के द्वारा फागुन माह में होली के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। इस नृत्य को करते समय कर्मा फाग गीत गाया जाता है और वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है उसका नाम है ठिसकी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इमेज देखना चाहते हो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का मुखौटा वो पहन करके नृत्य करते हैं। नेक्स्ट, अंधियार खेप तालाब में मिली जैन प्रतिमा। ये जो तालाब है ना, ये तालाब पूरा का पूरा पुरातात्विक अवशेष से भरा हुआ है और वो भी मुख्यतः जैन प्रतिमाओं से। हमेशा ये हाईलाइट में रहता है और इस तालाब से अक्सर जैन धर्म की ही प्रतिमाएं मिलती है। जैन धर्म की प्रतिमाएं यानी कि जैन तीर्थंकर। जैन धर्म में टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए, तो जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिलती है इस अंधियार खेप तालाब से। हर साल एक न एक आपके जैन धर्म की प्रतिमा यहां से प्राप्त होगी, जैन तीर्थंकर की प्रतिमा यहां से प्राप्त होगी। ये जो आपका अंधियार खेप तालाब है ये रायपुर जिले के आरंग में स्थित है। ठीक है, रायपुर जिले के आरंग में स्थित है।
जैन तीर्थंकर की लगभग 3 फीट ग्रेनाइट की प्रतिमा मिली है। प्रतिमा का चेहरा व अन्य भाग खंडित हो चुका है। देखिए अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा तो यहां ये कुछ इस प्रकार से प्रतिमा प्राप्त हुई है। जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी उसका चेहरा गायब था। जब ये प्रतिमा प्राप्त हुआ तो उसके बाद और थोड़ा खोज किया गया, खुदाई की गई, जिसके बाद ये चेहरा और कुछ अन्य अवशेष उस प्रतिमा के प्राप्त हुए हैं। देखिए सितंबर 2021 में आरंग के इसी अंधियार खेप तालाब में गहरीकरण के दौरान प्राचीन और दुर्लभ जैन तीर्थंकर की ऐसी ही प्रतिमा मिली थी, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भांडल देव मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। वहीं पे एक भांडल देव मंदिर है जैन धर्म का, उस मंदिर में उसे सुरक्षित रखा गया है। इस बार जो है जो न्यूज़ आया था उसमें बताया जा रहा है कि बच्चे जो है इस तालाब में तैर रहे थे, तभी किसी एक बच्चे को पैर में कुछ आपके पत्थर टाइप का महसूस हुआ, और जनरली इस मंदिर इस आपके तालाब से कोई ना कोई प्रतिमा मिलती है, उस बच्चे ने जानकारी दी, फिर उसके बाद उस जगह पर खुदाई की गई, तब जाकर के प्रतिमा मिली है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंधियार खेप तालाब जहाँ से जैन प्रतिमाएँ मिलती है कहाँ पर स्थित है, रायपुर जिले में, रायपुर जिले के आरंग में यह तालाब स्थित है। बमहनी करीन देव जात्रा देखिए कुछ इस प्रकार से जो मेला अलग अलग क्षेत्र में लगते हैं, अब थोड़ा सा डीप में जाकर के एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ क्षेत्रीय मेलाओं से प्रश्न बनता है, कुछ यात्राओं से प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हट करके कुछ ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाने की संभावना है। तो बमहनी करीन देव यात्रा ये नारायणपुर जिले के बमहनी गाँव में इस देव यात्रा का आयोजन हुआ 29 से लेकर के 31 मार्च 2024 के मध्य, 29, 30, 31, ठीक है, 3 दिन का ये जो है आपका यात्रा का आयोजन हुआ। इस बमहनी करीन देव यात्रा में बमहनी करीन देवी या इसका ही नाम है गंगेश्वरी देवी, या इन्हें ही अन्य नाम से जाना जाता है नारायण कोटिन देवी, या दरस गुडिन अथवा दरस बीती माता के नाम से पूजा जाता है, यानी कि अलग अलग इनके नाम है। अब ये अलग अलग नाम क्यों है उसको भी देख लीजिएगा, आगे समझ में आ जाएगा। इस यात्रा के दौरान अलग अलग क्षेत्र के परगनों के देवी देवताओं को और रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं। ठीक है, जो बमहनी गांव के जो लोग हैं वो अपने गांव के क्षेत्र के आसपास के परगनों के देवी देवताओं के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी, रिलेटिव्स को भी इस यात्रा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब जो अलग अलग परगनों से जो देवी देवता आते हैं, देवी देवताओं को एक प्रतीक के रूप में लाया जाता है। प्रतीक के रूप में मतलब आंगा जो है, आंगा प्रतीक होता है देवताओं का, यानी कि मेल गॉड, ठीक है, पुरुष देवता, तो ये देवताओं का प्रतीक होता है आंगा। डोली जो लाई जाती है, डोली, ठीक है, जो शादी में जो विदाई के समय जो डोली लेते हैं, जो डोली होती है वो देवियों का प्रतीक होता है। इसके अलावा बैरंग और प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि पत्ता, ठीक है, कुछ आपके प्राकृतिक लकड़ी, तो ये जो कुछ प्राकृतिक वस्तुएं भी जो है प्रतीक स्वरूप इस आपके यात्रा के दौरान देवता मान करके, देवी देवता मान करके उन्हें लाया जाता है। जिन देवी माताओं का प्रतीक डोली होता है, ठीक है, जिन देवी और माताओं का प्रतीक डोली होता है उन्हें दरस गुडिन माता कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? दरस गुडिन माता, ठीक। अब देखिए इसमें जो है अलग अलग रस्में निभाई जाती है, जैसे कि देव कोठार में कीली खूटी लोहमल चूर्ण से बंधन बनाया जाता है। देश अलग अलग परगनों के देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, प्रतीक स्वरूप देवी देवताओं को ला करके एक देव कोठार यानी कि एक स्थान में ला करके, देवता स्थान में ला करके उन्हें रख करके उनके चारों ओर आपके लोहमल यानी कि स्लैग लोहमल का चूर्ण से ऐसे राउंड बनाया जाता है। ठीक है, लोहमल जैसे कि यहाँ पे जो है आपके देवी देवताओं को रख दिया गया और अब उसके चारों ओर लोहमल से चूर्ण, लोह चूर्ण से यानी कि लोहमल के चूर्ण से जो है एक घेरा बनाया जाता है ताकि बुरी शक्तियों का इस देव कोठार में प्रवेश ना हो। उसके बाद रचन खेलना और झोंकना ये रस्म निभाई जाती है। रचन खेलना यानी कि इस आपके देव कोठार के बाहर जाकर के जो भी आपके गांव वाले हैं वो वहां पर जाकर के नृत्य करते हैं। रचन झोंकना यानी कि उनको आपके फूल, खाद्य सामग्री यानी कि अनाज उन्हें अर्पित करते हैं। और लास्ट में होती है देवता की विदाई यानी कि अंतिम दिन जो है जो भी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था उन्हें विदा कर दिया जाता है। इस आपके बमहनी करीन देव यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम सुरक्षा की जिम्मेदारी देवी देवताओं को सौंपी जाती है इस आपके यात्रा के दौरान।
जिला मुख्यालय यानी कि नारायणपुर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बमहनी गांव प्राचीन नारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जो आज का जो वर्तमान नारायणपुर जिला है, नारायणपुर जिले का जो नारायणपुर जिला मुख्यालय है वो उससे 8 किलोमीटर दूर बमहनी गांव था, सॉरी बमहनी गांव है जो कि प्राचीन नारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है, पहले के नारायणपुर के नाम से। नागवंशीय राजाओं के शासनकाल में प्राचीन नारायणपुर नारायण कोट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे नागवंशीय शासक यानी कि छिंदक नागवंशीय शासकों की बात हो रही है। ठीक है, नागवंशी शासकों के शासनकाल में ये जो बमहनी गांव है यानी कि जिसे प्राचीन नारायणपुर कहा जा रहा है, इसे नारायण कोट के नाम से जाना जाता था तथा इस नगर को नारायण देव नामक नागवंशी शासक ने बसाया था। छिंदक नागवंशी शासकों का इतिहास पढ़ेंगे तो वैसे आपको जनरली इनका नाम पढ़ने नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा जा रहा है कि इस नगर को नारायण देव नामक एक नागवंशी शासक ने इसे बसाया था। वृहद स्तर पर यह यात्रा 3 साल में मनाया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष तो आपका बमहनी करीन देव यात्रा मनाते हैं लेकिन 3 साल में एक बार इसका एक बड़ा आयोजन किया जाता है जिसे फूल उतारनी या कलसा यात्रा कहा जाता है। तो देखिए, फूल उतारनी यात्रा या कलसा यात्रा का आयोजन किस जिले में होता है? कोंडागांव जिला, बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, नारायणपुर जिला। तो कहाँ होता है? नारायणपुर जिले में। बमहनी करीन देव यात्रा का आयोजन कहाँ होता है? नारायणपुर जिले में। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ इस प्रकार से ये आपका देव यात्रा का आयोजन होता है। ठीक है, बमहनी करीन देव यात्रा। निरई माता मंदिर, हर बार जो है नवरात्रि के समय ये माता का जो आपका अक्सर इस माता से संबंधित जो न्यूज़ आर्टिकल है अक्सर न्यूज़ में रहता है, निरई माता मंदिर। और ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो बनेगा, अब तक तो पूछा नहीं गया लेकिन कभी ना कभी ये क्वेश्चन बनेगा। निरई माता मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? पैरी और सोंडूर नदी के तट पर गरियाबंद जिले में स्थित है आपका निरई माता, या कई बार आपको नरई माता लिखा मिलेगा। ठीक है, निरई माता या नरई माता का जो आपका मंदिर है, मंदिर नहीं है एक्चुअली में गुफा है, गुफा के अंदर माता विराजित है। ये पैरी और सोंडूर नदी के तट पर गरियाबंद जिले में इनकी गुफा मौजूद है। हर साल चैत्र नवरात्रि से पहले, चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को केवल 5 घंटे के लिए सुबह चार से नौ केवल 5 घंटे के लिए इस माता यानी कि निरई माता का जो मंदिर या गुफा का जो द्वार है उसे खोला जाता है और इस माता का पूजा या इस मंदिर में पूजा अर्चना या पूजा पाठ करने की जो रीतियों का जो रीतियों को निभाते हैं वो केवल पुरुष ही निभाते हैं, मेल। माता की पूजा करने का अधिकार केवल पुरुषों का है, महिलाओं का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। यहाँ तक कि इस निरई माता में बांटे जाने वाले प्रसाद को भी महिलाएं नहीं खा सकती। अगर किसी महिला के द्वारा इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है तो कोई ना कोई अनहोनी होने की आसार होते हैं। ठीक है, कुछ भी आपके अनहोनी हो जाते हैं ऐसी मान्यता है। तो निरई माता का मंदिर जो है पैरी और सोंडूर नदी के तट पर गरियाबंद जिले में स्थित है। चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को केवल 5 घंटे के लिए सुबह 4 से 9 बजे तक माता का द्वार खोला जाता है। पूजा पाठ करने की जो रीतियां हैं ये केवल पुरुष वर्ग ही निभाते हैं, महिलाओं का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है, यहाँ तक कि प्रसाद खाने की भी मनाही है। हर साल चैत्र नवरात्रि के दौरान बिना तेल और घी के अपने आप ज्योत प्रज्वलित होती है और 9 दिनों तक जलती है। यानी कि जो चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार में जब गुफा का द्वार खोला जाता है तो यहाँ पर एक कलश स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि जब कभी भी गुफा का द्वार खोल करके देखते हैं चैत्र के महीने में तो यहाँ पर बिना तेल और घी के अपने आप एक दीप प्रज्वलित रहती है जो कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिन तक यह ज्योत जलती रहती है। तो यह है निरई माता मंदिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है इस मंदिर में। नेक्स्ट है पेन कक्षाड़ उत्सव। पेन कक्षाड़, ये जो पेन कक्षाड़ उत्सव है ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व तक यानी कि वर्षा ऋतु के पहले तक ये जो आपका पेन कक्षाड़ उत्सव है इसे मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से गोंड समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। पूजा, आगामी फसल के लिए बीज रोपण से पहले गोत्र देव या फिर ग्राम देव तथा कुल देवता की पूजा की जाती है, साथ ही साथ अपने पूर्वजों को भी इसमें याद किया जाता है।
ठीक है, आगामी फसल से पहले, आगामी फसल के बीजा रोपण से पहले जो स्थानीय जो समुदाय है, गोंड समुदाय है, गोंड आदिवासी है, ये अपने गोत्र देव, ग्राम देव या कुल देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, कुल देवता की पूजा करते हैं। ये पेन ककसाड़ उत्सव जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से लेकर के वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व तक यह उत्सव मनाया जाता है। ये पेन का अर्थ क्या है, देखिए इस त्यौहार में लकड़ी की भारी पेन, ठीक है, लकड़ी की भारी पेन की आकृति को कंधे पर ढोकर घंटों नृत्य किया जाता है। लोगों का मानना है कि इस पेन में पुरखों की आत्माएं रहती है। पेन का मतलब एक्चुअली में एक लकड़ी होती है, ठीक है, आपको इमेज में दिखाता हूं, ये अपने कंधे पर लेकर के कुछ इस प्रकार से लकड़ी लेकर के नृत्य करते हैं। इनका मानना है कि इन्होंने जो पेन बनाया है इनमें इनके पूर्वजों की आत्माएं होती है, उन्हें ये जो है अपने उत्सव में शामिल करते हैं। और इस पेन के साथ ये ग्राम देवता गोत्र देवता और कुल देवता की पूजा करते हैं ताकि इनकी जो आगामी फसल के लिए जो बीजारोपण कर रहे हैं वो जो है वो अच्छे तरीके से उनकी फसल उगे या पके। ठीक, मुखिया, पेन ककसाड़ में एक जो मुखिया बनाया जाता है दक्षिण बस्तर में उसे तलापोत कहा जाता है। पेन ककसाड़ से संबंधित जो आपकी तिथियों का निर्धारण है, ठीक है, किस तिथि में आपका पेन ककसाड़ मनाया जाएगा, तो उसका जो मुखिया है उससे संबंधित जो निर्णय लिया जाता है मुखिया के द्वारा, उस मुखिया को दक्षिण बस्तर वाले क्षेत्र में तलापोत कहा जाता है। विशेष, इस त्यौहार में लकड़ी की भारी पेन की आकृति को कंधे में ढोकर नृत्य किया जाता है। लोगों का मानना है कि इसमें जो है आपका पुरखों की आत्मा है, रिपीट हो गया शायद। आदिवासी समाज के जिस पहले व्यक्ति से अलग अलग गोत्र की शुरुआत हुई उनके वंशज जहां भी है वह एक जगह एकत्र होते हैं, पेन ककसाड़ मनाते हैं और इस दिन गोत्र के लोग अपने पेन के साथ नाचते हैं। यानी कि उनका मानना जो है कि आदिवासी समाज का जो पहले व्यक्ति जिसने गोत्र की शुरुआत की है उसके वंशज, यानी कि वर्तमान में जो उनके वंशज मौजूद है, वो एक जगह एकत्र होते हैं और अपना पेन लेकर के नृत्य करते हैं। पेन यानी कि लकड़ी लेकर के नृत्य करते हैं, गोत्र के लोग पेन के साथ नाचते हैं। पेन का मतलब समझ में आया, ये है आपका पेन जो ये लेकर के नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुजरात के खिलाफ गर्जा शशांक सिंह का बल्ला। इन शशांक सिंह के बारे में मैंने आपको पहले के भी करंट अफेयर बताया था। पंजाब किंग्स की ओर से ये खेल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी है, भिलाई में ये निवास है, भिलाई में ये रहते हैं, ठीक है, भिलाई के है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी है। करंट अफेयर मैंने आपको क्या बताया था कि शशांक सिंह को गलती से जो IPL, ये मैं यहाँ पे IPL की बात कर रहा हूँ ना, आपको IPL बताया नहीं, बहुत लोगों को IPL देखने में दिलचस्पी ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बार के IPL में याद रखना, इस बार के IPL में शशांक सिंह जो कि पंजाब किंग्स की ओर से खेल रहे हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्लेयर है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के प्लेयर है। शुरुआत में क्या हुआ था, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको अगर कहानी पता होगा, जो लोग पिछले करंट अफेयर को भी देखते आ रहे हैं, कि जब आपके IPL से पहले खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है, उनकी नीलामी होती है, खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, तो जब शशांक सिंह का नाम पुकारा गया तो पंजाब किंग्स ने किसी दूसरे शशांक सिंह के नाम को समझ करके इन्हें खरीद लिया। जब नीलामी में नाम आया, एक्चुअली में शशांक सिंह नाम के दो प्लेयर हैं, एक है हमारे छत्तीसगढ़ के, तो जैसे ही शशांक सिंह का नाम आया नीलामी के लिए तो पंजाब किंग्स के तरफ से इन्हें जो है खरीद लिया गया। बाद में जो नीलामी जो ऑक्शन हो रहा था, ऑक्शन में फिर पंजाब किंग्स ने कहा कि हमें यह शशांक सिंह नहीं चाहिए, हमने जो है गलती से इन्हें खरीद लिया है, आप हमारे इस ऑक्शन को यहीं पर रद्द कर दें। लेकिन ऑक्शन हो चुका था और ये चीज़, ये जो आपका जो ऑक्शन होने के बाद इस खिलाड़ी को पंजाब किंग्स को रखना पड़ा। अब देखिए, किस्मत हर किसी को एक बार मौका देता है अपने आप को साबित करने का। जनरली जो बड़े आपके ये जो ऑक्शन में जो अलग अलग टीम है उनकी मेंटेलिटी ये रहती है कि छोटे शहरों से आने वाले जो खिलाड़ी है उनके पास ट्रेनिंग के लिए सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनका प्रैक्टिस सही तरीके से होता है या नहीं इसे लेकर के डाउटफुल रहते हैं। ये जनरली आपके रांची झारखंड जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी है, झारखंड वाले क्षेत्र से, बंगाल वाले क्षेत्र से, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से, इन क्षेत्र के खिलाड़ियों को मेन प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि एक्चुअली में वहाँ पर ट्रेनिंग के वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जो कि काफ़ी सालों से ऑक्शन में शामिल तो हो रहे थे लेकिन उन्हें किसी भी IPL टीम ने खरीदा नहीं था,
पिछले साल खरीदा गया था, लेकिन उन्हें बैटिंग करने का या अपने आप को साबित करने का, बैटिंग या बॉलिंग करने का उन्हें मौका नहीं मिला। इस बार के भी आईपीएल में जो है आपके शशांक सिंह को बाई मिस्टेक पंजाब किंग्स ने खरीदा और उन्हें अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला और उन्होंने अपने आप को साबित किया भी और न्यूज़ में भी रहे। इन्होंने जो हारता हुआ जो मैच था पंजाब किंग्स का, उन्हें जो आपके शशांक सिंह हैं उन्होंने जिता दिया। लगभग 29 गेंदों में 61 रन, 6 चौके, 4 छक्कों के साथ उस हारते हुए मैच को, गुजरात टाइटंस के साथ मैच हो रहा था, उस हारते हुए मैच को उन्होंने जिता दिया। और उस समय दोबारा ये न्यूज़ में आए कि जिस शशांक सिंह को पंजाब किंग्स ने गलती से खरीदा था वो आज के मैच में उनके लिए वरदान साबित हुआ। और ये होता है लाइफ का टर्निंग पॉइंट। इसके बाद ये पूरे के पूरे न्यूज़ में हाईलाइट में रहे और हर बार जब कभी भी पंजाब किंग्स का जब मैच होता है ये अपने आप को हर बार साबित कर रहे हैं। उन लोगों के मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मौका नहीं देते, और ये अपने आप में आइडियल है जिन्हें मौका मिला और इन्होंने अपने आप को साबित भी किया। क्योंकि अगर इस मैच में ये अपने आप को साबित नहीं कर पाते तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अगले और भी मैचों में मौका नहीं मिल पाता। इन अकेले शशांक सिंह के परफॉर्मेंस से छत्तीसगढ़ के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी मौके के, आपके जो आईपीएल के रास्ते हैं वो खुल चुके हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं छत्तीसगढ़ के, आपके जो रणजी के जो खिलाड़ी हैं आपके हरप्रीत सिंह भाटिया, इसके अलावा अजय मंडल, छत्तीसगढ़ के काफ़ी फेमस आपके क्रिकेटर है जो हर बार आईपीएल में शामिल तो होते हैं, बेस प्राइस में उन्हें खरीदा भी जाता है, रिटेन किया जाता है, लेकिन वो खेल नहीं पाते। इस बार इन्हें गलती से मौका तो मिला, पंजाब किंग्स की तरफ से गलती हुआ, लेकिन इन्होंने अपने आप को साबित किया। और हर बार जब कभी भी पंजाब किंग्स का मैच होता है तो इन पर नजर रहती है अब हर मैच के दौरान, क्योंकि इस साल के आईपीएल में ये स्टार प्लेयर बन चुके हैं। तो इनके नाम को याद रखिएगा, शशांक सिंह, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले हैं, पंजाब किंग्स की ओर से यह खेल रहे और काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, धान के सर्वाधिक जर्म प्लाज्म के लिए पुरस्कार। जर्म प्लाज्म का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का अनुवांशिक, ठीक है, अलग अलग धान की प्रजातियों के अनुवांशिक, उनके जीन्स, जिनेटिन्स को जो है संग्रहित करके रखा जाता है। तो धान के सर्वाधिक जर्म प्लाज्म के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को। आयोजन हुआ था राष्ट्रीय धान कार्यशाला दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में एक राष्ट्रीय धान कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? डॉक्टर गिरीश चंदेल, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है। प्रश्न पूछा जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति कौन है, वो है आपके डॉक्टर गिरीश चंदेल। और डॉक्टर दीपक शर्मा, जो कि पौधा प्रजनन विभाग के अध्यक्ष है, इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। क्षेत्र, धान की जर्म प्लाज्म यानी कि जिनेटिन्स, जर्म प्लाज्म के संग्रह संरक्षण व इनका प्रजनक कार्यक्रम में बेहतर उपयोग के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। विशेष बात क्या है, ये जो आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में धान का विश्व में द्वितीय सबसे बड़ा धान किस्मों का संग्रह है। ठीक है, धान की अलग अलग किस्में होती है, तो पूरी की पूरी दुनिया में यह धान की अलग अलग किस्मों का दूसरा सबसे बड़ा संग्राहक है। ठीक है, यहां पर लगभग 23,250 से ज्यादा धान की किस्मों का संग्रह रखा गया है। और दुनिया में जो फिलीपींस देश ही एक ऐसा देश है जहां पर धान की सर्वाधिक किस्में हैं, यानी कि लगभग 26,000 के आसपास वहां पर धान की किस्में हैं जिसे संग्रहित रखा गया, उनके जीन्स को संग्रहित करके रखा गया है। उसके सेकेंड नंबर पर है हमारे भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जहां पे 23,250 धान की अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनकी किस्में हैं उन्हें संग्रहित रखा गया है। ठीक है, हाल ही में एक धान की किस्म जो काफी हाईलाइट में रही, प्रथम औषधि धान किस्म संजीवनी, पिछले बार के करंट अफेयर बताया भी है, संजीवनी जो कि मानव शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक व कैंसर सप्रेसिव किस्म है, को विमोचित किया गया था। ठीक है, संजीवनी जो कि एक प्रकार की औषधि धान की किस्म है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को धान की सर्वाधिक जर्म प्लाज्म के लिए पुरस्कृत किया गया है। ठीक,
ये भी प्रश्न पूछा जाएगी, छत्तीसगढ़ का प्रथम औषधि धान का किस्म का नाम क्या है, उसका नाम है आपका संजीवनी। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये आपकी कार्यशाला का आयोजन हुआ था 59th एनुअल राइस ग्रुप मीटिंग, जिसमें पुरस्कार प्रदान किया गया। ये है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत अलग अलग रेक बने हुए हैं। इन रेक में आपका हर एक, ये जो आपका राउंड शेप दिख रहा है, ये अलग अलग धान की ये प्रजातियां हैं, किस्में हैं। ऐसे कितने सारे रेक हैं, ठीक है, 23,250 से ज़्यादा किस्में यहाँ पर मौजूद हैं, और दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर जो है धान की किस्मों का संग्राहक है, पहला है फिलीपींस। नेक्स्ट, महाकौशल कथा विधि का, ये तो चलिए ठीक है, इसको भी बता देता हूँ। महाकौशल कथा विधि का जो कि रायपुर ज़िले में स्थित है, ये भी एक प्रकार का संग्रहालय है, जहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला और छापा कला की दुर्लभ रचनाओं का यह संग्रहालय है। इस महाकौशल कथा विधि का को वर्ष 1975 में राजनांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास जी के द्वारा बनवाया गया था। एक घासीदास संग्रहालय है, ठीक है, उन्हें भी जो है महंत घासीदास जी के द्वारा बनाया गया था। और एक है महाकौशल कथा विधि का, जो घासीदास संग्रहालय है वो पुरातात्विक साक्ष्य संबंधित है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से। यहाँ पे चित्रकला, मूर्तिकला और छापा कला की यहाँ पे दुर्लभ संग्रह मौजूद है, यानी कि ये पेंटिंग जो आपकी मूर्तियाँ हैं, छापा कला, इसका संग्रहालय है ये, ठीक है। प्रारंभ में यहाँ महंत घासीदास द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शिकार के औजार जैसे कि तीर, बरछी, भाल, जानवरों के मुखौटे, खाल आदि रखे जाते थे। बाद में अंग्रेजों के द्वारा इसका उपयोग शस्त्रागार के रूप में किया जाता था। कथा विधि का मेहराबदार पत्थरों से बना अष्टकोणीय भवन है, यानी कि ये जो भवन है ये आठ कोण वाला भवन है ये, ठीक है। तो महाकौशल कथा विधि का क्या है पूछा जाए तो ये एक प्रकार का संग्रहालय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट। सबसे पहले शिवगंगा जलप्रपात किस जिले में है पूछा जाए तो ये है आपके बस्तर जिले में। बिहारपुर जलप्रपात किस जिले में है पूछा जाए तो ये है आपके कोरिया जिले में। किस नदी पर है पूछा जाए तो ये है आपके हसदेव नदी के ऊपर। प्रदेश की पहली धूप घड़ी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, सुकमा जिले के रामाराम में। ये जो रामाराम है, इस रामाराम में प्रदेश का पहला रॉक गार्डन, रॉक का मतलब क्या होता है, चट्टान, रॉक गार्डन भी यहां पर स्थापित है, ठीक है। और यहीं पर प्रदेश की पहली धूप घड़ी, धूप का मतलब सूर्य की रोशनी पड़ने से आपके यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जैसे जैसे सूर्य का डायरेक्शन चेंज होगा वो स्ट्रक्चर समय बताएगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या करेगा, समय बताएगा। तो प्रदेश की पहली धूप घड़ी कहां पर स्थापित की गई है, वो स्थापित की गई है रामाराम सुकमा में। हापाटोला जंगल नक्सली ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब तक का हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन, जिसमें लगभग 29 नक्सलियों को मारकर गिराया गया, उन्हें ढेर किया गया, ठीक है। तो ये जो नक्सली ऑपरेशन है ये चलाया गया आपके हापाटोला के जंगलों में। हापाटोला जंगल जो कि कांकेर जिले के बीना गुंडा गाँव में है, ठीक है, कांकेर जिले के बीना मुंडा गांव में है। पहली बार इतना बड़ा नक्सली ऑपरेशन चलाया गया जिसमें टोटल 29 नक्सलियों को मारा गया। नक्सलाइट में इतना खौफ हो गया कि बहुत सारे नक्सलाइट जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जाकर के उन्होंने सरेंडर किया, उन्हें यह लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में सरेंडर करेंगे तो किसी ना किसी बहाने यहां पर उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, इसलिए अब डर के मारे वो दूसरे राज्यों में जाकर के सरेंडर कर रहे हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा नक्सली अभियान था आपका हापाटोला जंगल नक्सली ऑपरेशन, जो कि कांकेर जिले के बीना गुंडा गांव में चलाया गया। सकल नारायण गुफा या मेला, सकल नारायण का जो गुफा है यहां पे जो है आपका मेला भरता है। बीजापुर के भोपालपट्टनम में स्थित है सकल नारायण का गुफा, यह सकल नारायण मेला यहीं पे आयोजित होता है। मुनी चुआ पर्यटन क्षेत्र, एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि मुनी चुआ पर्यटन केंद्र कहां पर स्थित है, यह सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ में स्थित है। कंकालीन टीला सीली पचराही एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जहां पे बहुत सी दुर्लभ मूर्तियां मौजूद है, ये मौजूद है आपके कबीरधाम में। प्रश्न पूछा जाएगा कि कंकालीन टीला पुरातात्विक स्थल या सीली पचराही पुरातात्विक स्थल किस जिले में है, तो कबीरधाम जिले में है। ऑरेंज ऑकलिफ जिसे राष्ट्रीय तितली का दर्जा प्राप्त है, जैसे कि नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, ठीक है, नेशनल फिश, ऐसे अलग अलग जो आपके कैटेगरी बने हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रीय पशु क्या है, आपका चीता है,
ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है, वैसे ही राष्ट्रीय तितली का दर्जा दिया गया है, उस तितली का नाम है, नेशनल बटरफ्लाई का नाम है ऑरेंज ऑगलिव। और ये जो बटरफ्लाई है, ये जो तितली है, ये हमारे भोरमदेव अभ्यारण्य के वन्य क्षेत्र में बहुतायत में है, ठीक है। इस क्षेत्र में ये अक्सर तितली देखने के लिए मिलती है। ये जब तितली अपने पंख को खोलती है तो इस तरफ तो रंगीन स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है, रंग बिरंगा नीले का, नीले ऑरेंज कलर का दिखता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अपने पंखों को बंद करती है तो एक सूखे पत्ते के जैसे दिखता है, ठीक है, सूखे पत्ते के जैसे दिखती है। और नेट में सर्च कीजिएगा ऑरेंज ऑक्लिव करके, यानी कि अगर वो तितली कहीं बैठी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक तितली है, आपको एक सूखा पत्ता के जैसे वो दिखाई देगी, ठीक। आमा अक्षय तिहार जो कि बस्तर जिले में अक्षय तृतीया के दिन विधिवत पूजा के साथ मनाया जाने वाला एक तिहार है। इस दिन आम को अपने पूर्वजों को अर्पित करने के बाद ही उसका सेवन करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन विधिवत पूजा के साथ बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है आमा अक्षय तिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलोमाइट भंडार, ठीक है, ये कुछ कुछ आर्टिकल आते हैं जो कि आपको एक जो आप एक नजर पढ़ लीजिए, जैसे कि डोलोमाइट भंडार क्षेत्र, प्रश्न पूछा जाएगा बाराद्वार, ठीक है, बाराद्वार डुमापारा, इस क्षेत्र में किस खनिज का भंडारण है, तो डोलोमाइट खनिज का भंडारण है। वैसे ही बमहनदई देवी भित्ति चित्र, एक गुफा के अंदर एक भित्ति चित्र है जो कि एक देवी का प्रतिरूप मान करके उसकी पूजा की जाती है, यह मौजूद है मैकाल पर्वत कवर्धा में। एनटीपीसी लारा रायगढ़, हाल ही में एनटीपीसी लारा रायगढ़ में की दूसरी यूनिट में 1600 मेगावाट, जहां पे 800 मेगावाट की दो इकाई स्थापित की जाएगी, उसका शुभारंभ किया गया, ठीक है, अभी जो है इस पे काम किया जाएगा, अभी ये स्थापित नहीं हुआ, लेकिन हाँ इसका सेकंड यूनिट प्रारंभ किया जा रहा है। 1600 मेगावाट की क्षमता है, 800 मेगावाट की दो इकाई यहां पर स्थापित की जाएगी। 5 स्टार रेटिंग वाली एकमात्र कोयला माइंस, ठीक है, कोयला माइंस को अलग अलग रेटिंग दी जाती है, तो 5 स्टार रेटिंग वाली एकमात्र ओपन कोयला माइंस कहां पर है, तो कोरबा जिले का गेवरा माइंस एकमात्र ऐसा कोयला माइंस है हमारे प्रदेश में जिसे 5 स्टार रेटिंग प्राप्त है। शिवनाथ आमनेर और नंदकंठी त्रिवेणी संगम, ठीक है, ये जो नंदकंठी है ये जो है ये तो एक नाला है, आमनेर नदी जो कि इस आमनेर नदी के तट पर खैरागढ़ शहर स्थित है, शिवनाथ नदी, ठीक है, तो शिवनाथ आमरेर और नंदकंठी त्रिवेणी संगम जो कि सिल्ली शक्ति घाट दुर्ग जिले में स्थित है, सिल्ली शक्ति घाट दुर्ग जिले में इनका त्रिवेणी संगम स्थित है, छेरछेरा के अवसर पर यानी कि पुष्प पूर्णिमा को यहां पर मेला भरता है। लोकसभा चुनाव मतदान, ठीक है, लोकसभा हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। जो पहले चरण का जो चुनाव है ये हुआ आपके 19 अप्रैल को बस्तर में, बस्तर वाले क्षेत्र में, बस्तर की बात हो रही है यानी कि पूरा बस्तर संभाग की बात हो रही है, बस्तर वाले क्षेत्र में टोटल आपके 68.30% प्रथम चरण में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट के लिए जो चुनाव हुए उसमें 68.30% मतदान हुए। जो बस्तर वाले क्षेत्र में पहले चरण में हुआ केवल एक अकेला बस्तर लोकसभा सीट के लिए, क्यों, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, सेंसिटिव एरिया में आता है, ठीक है। द्वितीय चरण में जो है आपका राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, यहां पर जो है 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव हुए जिसमें टोटल 75.16% मतदान पड़े। तृतीय में जो है बाकी बचे हुए सीट, छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीट है, 4 आपके लोकसभा सीट के लिए आपके वोट हो चुके हैं, एक बचे हुए जो आपके 7 सीट है इसके लिए 7 मई को आपके वोट होंगे, ठीक है। तो प्रथम चरण में 68.30%, द्वितीय चरण में 75.16% आपके वोट पड़े हैं। भोरमदेव अभ्यारण्य बर्ड सर्वे, ठीक है, बर्ड सर्वे 2024, भोरमदेव अभ्यारण्य में 4 से लेकर के 6 जून 2024 के मध्य पक्षियों का सर्वेक्षण किया जाएगा, बर्ड सर्वे किया जाएगा। आगे आने वाले समय में और भी इससे रिलेटेड आपको आंकड़े पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि किस अभ्यारण्य में बर्ड सर्वे 2024 आयोजित हुआ, तो भोरमदेव अभ्यारण्य, भोरमदेव वन क्षेत्र में आयोजित हुआ। सरहुल पर्व जो कि उराव जनजाति के द्वारा चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाने वाला पर्व है, इस सरहुल पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है पूछा जाए, तो खद्दी के नाम से इस सरहुल पर्व को जाना जाता है, ठीक है, इस सरहुल पर्व को खद्दी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट है छत्तीसगढ़ी की उपभाषा कलंगा, ठीक है, ये जो कलंगा क्या है, कलंगा जो है एक भाषा है, छत्तीसगढ़ी की ही उपभाषा है जो कि पूर्वी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, पूर्वी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कि मतलब ये इधर वाले क्षेत्र में, इस साइड वाले क्षेत्र में, ये इधर वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो उड़ीसा से लगा हुआ है, पूर्वी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोले जाने वाली
एक भाषा है जिस पर उड़िया भाषा का प्रभाव है। तो कलंगा ये क्या है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की एक भाषा है जो कि पूर्वी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है और इस पर उड़िया भाषा का प्रभाव है। ठीक है, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आपका यहीं पर समाप्त होता है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। और हाँ, 15 मई 2024 से छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की ऑनलाइन बैच शुरू हो रही है। समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और फर्स्ट डे के फर्स्ट लेक्चर से ज्वाइन रहिए ताकि आपको चीज़ें हेक्टिक ना लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए।